कानपुर देहात में गैस सिलेंडर के दामों में हुई कटौती, महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर सरकार की तरफ से दिया गया बड़ा तोहफा। वहीं गैस सिलेंडर के दामों में कटौती होने की वजह से एजेंसी संचालकों को भारी नुकसान हुआ। अचानक से गैस सिलेंडर के दाम में की गई कटौती से एजेंसी संचालकों को भारी नुकसान हुआ। गोदाम में पहले से रखे पुराने रेट के गैस सिलेंडर भारी नुकसान के चलते एजेंसी संचालकों के चेहरे पर छाई मायूसी। गैस सिलेंडर के पुराने रेट के अनुसार नए रेट पर सिलेंडर वितरण करने में प्रति सिलेंडर पर 200 रुपए के नुकसान से संचालक परेशान हैं। गैस सिलेंडर के दामों की गिरावट के बाद गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए बुकिंग में इजाफा हो रहा है। कल केंद्र सरकार के फैसले के बाद, जब से केंद्र सरकार ने रेट घटाने का फैसला लिया है, ग्राहकों में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं हम लोगों के पास, और बुकिंग नंबर ऑफ बुकिंग में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन जब हम लोगों का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है कल का, हम लोगों को उस पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम एक पर सिलेंडर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 200 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमको घटे हुए दाम पर सिलेंडर बेचना पड़ रहा है, बल्कि हम लोगों ने जो सिलेंडर खरीद रखे थे, हम लोगों की जो आज की ओपनिंग सिलेंडर है वो पुराने रेट की है। तो हम लोगों को करीब हर डिस्ट्रीब्यूटर को करीब 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में लगभग भारी नुकसान हुआ है। त्योहार के देखते हुए हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक जो मेंटेन था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा अधिक हम लोग स्टॉक मेंटेन रखे हुए थे, क्योंकि आज त्यौहार पर आज और कल हम लोगों की सप्लाई अच्छी रहती है, इसीलिए अचानक रेट घटने की वजह से हम लोगों को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।